जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल वे में कैसे निकाल सकते हैं। 10 सेकंड के अंदर में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखे। देखिए, मूलधन अगर हमको दिया रहे, मूलधन आपके पास अगर 1000 रुपया दिया रहे, समय आपका 2 साल दिया रहे और दर आपको 10% दिया रहे और आपसे पूछे कि 2 साल का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताइए, तो सिंपल वे में देखिए कैसे निकालते हैं। ये जो 1000 रुपये पहले आपका मूलधन है, इसको हम दर से 10% की दर से निकालेंगे पहले। तो 1000 का 10% की दर से हमारा कितना आ गया, 100 रुपया निकल के आया। अब 2 साल के लिए रहा, ध्यान रखिएगा, अगर 2 साल के लिए कहें तो इसमें 2 से गुना कीजिए तो ये कितना आ गया, 200 आ गया। अब ये जो 200 आया, ये 200 आ गया, उसके बाद क्या करेंगे अगला स्टेप, ये जो 1000 रुपये का 10% निकाले हैं तो 100 आया है, अब इस 100 का 10% हम निकालेंगे, ये दर जो है 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया, ये 10 रुपया आ गया। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 साल के लिए कहे तो पहले वाले से 2 से गुना कर देंगे और उसके बाद 1 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो टोटल को जोड़िए तो कितना आ गया, 210 रुपया आ गया। तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल कर आ चुका है 210 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि 2 साल के लिए अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज कहे तो सिंपल वे में हम कैसे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कि हम 3 साल के लिए सिंपल वे में चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं 3 साल के लिए, ये 3 साल के लिए देखते हैं हम। तो 3 साल के लिए हम मान लीजिए मूलधन वही लेते हैं, मूलधन हम ले लिए 1000 रुपया, समय ले लिए 2 साल और दर जो है हम 10% लिए, सॉरी समय ले लिए 3 साल, क्योंकि हमको 3 साल के लिए निकालना है। तो 2 साल के लिए हम देख चुके हैं, अब अगला देखते हैं 3 साल के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो है मूलधन, इसको हम पहले तो 10% की दर से निकालेंगे। मूलधन जो दिया गया 1000 रुपया, इसका 10% की दर से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 रुपया, 100 निकल के आएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 3 साल के लिए कह रहा है, इसलिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब ये जो 1000 रुपये का 10% 100 निकला, अब इस 100 का हम 10% फिर से निकालेंगे, 100 का हम अगर 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 3 साल के लिए कह रहा है, तो पहले इसमें 3 साल, फिर दूसरे में यहाँ पे फिर 3 साल, 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना किया तो कितना आ गया, 10 + 30 आ गया। अब इस 10 को हम 10% निकालेंगे, तो 10 का हम 10% निकालें तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 2 साल के लिए था तो उसमें हम 2 से गुना कर देते थे, उसके बाद 1 से गुना कर देते थे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए निकल जाता था। लेकिन 3 साल में क्या करना है कि पहले वाले में 3 से गुना करना है, फिर दूसरे वाले में 3 से गुना करना है, फिर जो ये तीसरे वाले में 1 में, इससे 1 से गुना करना है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब टोटल को जोड़िए, 300 + 30 + 1, ये 331 आ गया। तो 3 साल के लिए हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर जो आया हमारा 3 साल के लिए, कितना आया है, 331 रुपया। तो देख सकते हैं हम 3 साल का, 2 साल का कितना आसानी से कर लिए, फिर 3 साल का कितना आसानी से कर लिए। तो ये सिंपल वे में निकालने का तरीका है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।